प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। दूसरी ओर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस घटना के बाद गुस्से की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस पर टिप्पणी की। सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर कहा कि ओलंपिक विजेताओं के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ जो दुर्व्यवहार हुए वो निंदनीय है। क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों को मारने की इजाजत दी? केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने सवाल पूछा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन एथलीटों ने खेलों के माध्यम से अपने देश का सम्मान किया है उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जीत के बाद जिन खिलाड़ियों को सभी ने सम्मानित किया, क्या वे अचानक खलनायक बन गए हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। दूसरी ओर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस घटना के बाद गुस्से की प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस पर टिप्पणी की। सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर कहा कि ओलंपिक विजेताओं के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से मैं बहुत निराश हूँ। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ जो दुर्व्यवहार हुए वो निंदनीय है। क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शनकारियों को मारने की इजाजत दी? केंद्र सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया सुले ने सवाल पूछा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन एथलीटों ने खेलों के माध्यम से अपने देश का सम्मान किया है उन्हें न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जीत के बाद जिन खिलाड़ियों को सभी ने सम्मानित किया, क्या वे अचानक खलनायक बन गए हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं?